माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी और हायर स्कूल की पूरक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य मूल्यांकनकर्ताओं की कमी और अनुपस्थिति से प्रभावित हो रहा है। मूल्यांकन कार्य के लिए लगभग 100 मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन नाम मात्र के मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी और हायर स्कूल की पूरक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य MLB कन्याशाला में प्रारंभ हो चुका है। 8 अगस्त तक मूल्यांकन कार्य को समाप्त करना है, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं की अनुपस्थिति के चलते यह कार्य समय पर पूरा हो पाना असंभव है। MLB कन्याशाला की प्राचार्य प्रभा मिश्रा की माने तो मूल्यांकन कार्य के लिए 100 मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन नाम मात्र के मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन कार्य करने उपस्थित हो रहे हैं, जिसके चलते कार्य प्रभावित है। प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं-12वीं की पूरक परीक्षा का मूल्यांकन 2 अगस्त से प्रारंभ है। इसको 8 अगस्त तक पूरा किया जाना है, लेकिन आज दिनांक तक केवल 6 मूल्यांकनकर्ता उपस्थित हुए हैं, जबकि करीब 100 मूल्यांकनकर्ताओं की लिस्ट जारी की गई है। तो ये मूल्यांकन कार्य समय सीमा पर पूरा किया जाना है, तो मूल्यांकनकर्ताओं की कमी कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके लिए आप क्या कदम उठाए हैं, क्या कहाँ आपने लिखा है अगर मूल्यांकन टाइम पे नहीं होगा तो ये टाइम पे नहीं आएगा, इसके लिए कौन जवाबदार रहेगा, इसके लिए आपने क्या पहल करी है? हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र हम भेज रहे हैं कि मूल्यांकनकर्ता अभी तक नहीं आए हैं, तो वो मूल्यांकनकर्ता उपलब्ध कराएं ताकि समय सीमा पर कार्य, अगर 100 आ जाए तो 2-3 दिन में ये काम पूरा हो सकता है। अभी इस समय स्कूल भी प्रारंभ है और परीक्षा फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, तो दिक्कत तो है, लेकिन जो शिक्षक इन कार्यों से अलग हैं जो नहीं कर रहे हैं वो आ जाएं, तो प्राचार्य उनको छोड़ दें। मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षकों की अनुपस्थिति का एक कारण और भी है। स्कूलों के शुरू हो जाने और परीक्षा फॉर्म भरे जाने के कारण शिक्षक मूल्यांकन कार्य करने आ रहे हैं, ऐसे में मूल्यांकन का कार्य प्रभावित है।